अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। कई पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन होते हैं कि हम अपने बच्चे को गोरा कैसे बनाएं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा बच्चा गोरा हो जाए। तो इसका मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आप अपने बच्चे को गोरा क्यों चाहते हैं। सोचिए जरा इस बात को। अगर आपकी इस कैटेगरी में ये बात आ रही है, मेरे इस वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। तो पहला रीज़न ये होता है कि जो पेरेंट्स खुद अगर उनका कलर फेयर नहीं होता है तो वो अपने बच्चे को गोरा इसलिए चाहते हैं कि जो ह्यूमिलिएशन उन्होंने लाइफ टाइम सहन किया है, जो ताने उन्होंने लोगों से लाइफ टाइम सुने हैं, वो ताने उनको अपने बच्चे को ना सुनना पड़े। और जो पेरेंट्स फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, जो गोरे होते हैं, उनका बच्चा का कलर अगर थोड़ा सा डाउन होता है तो वो इसलिए चाहते हैं उनका बच्चा गोरा हो जाए क्योंकि उन्होंने जो दूसरे काले लोगों को जो भी ताने मारे हैं या फिर जो ह्यूमिलेशन उन्होंने उन लोगों को दिए, वो कहीं उनके बच्चे पे ना आ जाए। या फिर कुछ पेरेंट्स इसलिए भी बच्चे गोरा चाहते हैं कि या फिर उनके पड़ोसी आकर या कोई और आकर उनसे कह जाता है कि तुम्हारा बच्चा काला है, तब बहुत बुरा लगता है ये बात, है ना। और तब भी हमें बस जुट जा यूट्यूब खोला और वीडियो सर्च करने के लिए बच्चे को कैसे गोरा बनाए। अगर आप इन सब कैटेगरी में आते हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन सी किताब में, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से लॉ में और ऐसा किस बुक में, किस ग्रंथ में, किस वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि गोरा इंसान ही सुंदर होता है। आपको ये सर्च क्यों नहीं करते कि हम बच्चे की स्किन चमकदार कैसे बनाए, उसकी स्किन ग्लोइंग कैसे बनाए, ये क्यों सर्च करते हैं बच्चे को गोरा क्यों बनाए, बच्चे को गोरा कैसे बनाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो ताने आपको मिले हैं आपके लाइफ टाइम में या आपने किसी को दिए हैं तो वो आप अपने बच्चे को ऑटोमेटिकली पास ऑन कर रहे हैं और उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आप गिरा रहे हैं। जो नेचर से कलर होते हैं, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो, जो भी कलर्स हैं, ये नेचर के दिए हुए हैं। अगर किसी पेड़ की पत्तियां ग्रीन आती है तो हम उसको येलो नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके बच्चे का कॉम्प्लेक्शन अगर का डार्क है तो आप उसको फेयर नहीं कर सकते या फिर फेयर है तो उसको डार्क नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जो भी स्किन टोन्स होती हैं लोगों की, ये केवल जगह को लेकर होती है, जो जगह को लेकर होती है। जैसे हम इंडियंस लोग थोड़े डस्की के, थोड़े फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं और जो फॉरेन कंट्रीज के होते हैं, यूके के, कनाडा के, वो लोग ज़्यादा गोरे होते हैं। जो अफ्रीका के लोग हैं वो थोड़े से काले ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ ज्योग्राफी के हिसाब से भी डिसाइड होती है और आपके जेनेटिक को लेकर भी डिसाइड होती है। मीन्स अगर आपके फादर या मदर कोई गोरा है या फिर कोई काला है तो उसका स्किन टोन भी किसी एक पे जाएगा, नहीं तो फिर जो उसके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो ये उसके ऊपर भी जाएगा। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इवन जब आप प्रेग्नेंट भी होते हैं तो कई लोग आपको बोल के जाते हैं ये खाओ ये पियो तुम्हारा बच्चा बहुत गोरा पैदा होगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप गरी खाएंगे तो बच्चा बहुत गोरा होगा, ये मिश्री खाएंगे तो बहुत गोरा होगा, ये बहुत बड़ा मिथ है। ये चीज़ें आपके बच्चे के कॉम्प्लेक्शन को डिसाइड नहीं कर सकती है। और बच्चे का कॉम्प्लेक्शन उसके पैदा होने से लेकर उसके 4 या 5 साल तक बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। तो आप डिसाइड भी नहीं कर सकते अगर आपका बच्चा अभी काला है तो वो आगे जाके गोरा होगा या फिर अभी गोरा तो आगे जाके काला ना हो जाए। तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली ये कलर्स चेंज होते रहते हैं। आपको बस अपने बच्चे की स्किन अच्छी रखनी है, उसके इंटेलिजेंस पे ध्यान देना है। क्योंकि लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अगर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी में जो लोग होते हैं कमी, कोई ना कोई कमी जरूर निकालते हैं। अगर कोई इंसान गोरा भी होगा तो उसमें ये कमी निकालेंगे कि उसकी नाक छोटी है, उसकी नाक मोटी है, या फिर कुछ और कमी निकालेंगे, उसकी हाइट छोटी है, उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी है। इस चीज़ को लेकर भी कई लोग ताने मारते हैं और कमी निकालते रहते हैं। तो आप कितनी चीज़ ठीक करेंगे? आप अगर किसी इंसान को ताने मार रहे हैं उसके फीचर्स को लेकर या फिर उसके कलर को लेकर, तो आप टोटली भगवान की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम सब उन्हीं की क्रिएशन है। अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं और सामने वाला इंसान आकर आपकी पेंटिंग की बुराई करे तो आपको कितना बुरा लगेगा? इसी तरह भगवान ने हमें बनाया है और आप उन्हीं की बनाई हुई चीज़ की बुराई कर रहे हैं तो ये उनको बहुत बुरा लगेगा और आपको इसका फल जरूर देखने को मिलेगा। सचिन तेंदुलकर तक को अपनी लाइफ में बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा, उसके जब छोटा होगा कि उसकी हाइट छोटी है छोटी है छोटी है, पर अब वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि आज किसी की हिम्मत है उससे कुछ कह सके कि तुम्हारी हाइट छोटी है। तो उसी तरीके से आप अपने बच्चे को इस काबिल बनाइए कि उसका फीचर्स, उसके कलर, उसकी कोई भी फिजिकल अपीयरेंस उसके को लेकर कोई उसको ताने ना मार सके।
तो जो इतनी मेहनत आप ये देखने में कर रहे हैं कि बच्चे को गोरा कैसे बनाए, तो उतनी मेहनत आप इस चीज में कर लीजिए कि बच्चे को इंटेलिजेंट कैसे बनाए, उसका टैलेंट कैसे बाहर निकालें और उसको एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग कैसे बनाए। तो ये सब बातें रहें कि हमें ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ आपके हाथ में है और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए अपने बच्चे की स्किन को, स्किन पे। तो पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि बच्चे की स्किन का कलर फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गोरे होते हैं तो आगे जाके काले भी हो जाते हैं, और जो थोड़ा कलर डाउन होता है वो आगे जाके गोरे भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है, वो धीरे धीरे ठीक साफ होती रहती है और जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से वो जब एडजस्ट करते हैं तो उनका कलर चेंज होता रहता है। कुछ बच्चों में खून की कमी होती है स्टार्टिंग में जब पैदा होते हैं, तो जब उनका खून ज़्यादा बढ़ता है तो वो और थोड़ा कलर और निखर जाता है, या फिर जो बच्चा गोरा होता है तो उसका कलर थोड़ा धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होकर थोड़ा डार्क भी हो जाता है। तो बच्चे की स्किन कलर हम 5 ईयर्स तक या 6 ईयर तक डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या स्किन कलर है उसका। इवन कई बार तो बड़े होकर भी लोगों का कलर चेंज हो जाता है। हमें बस बच्चे की स्किन की हेल्थ पे ध्यान देनी है, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, उनमें मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो प्रॉपर उनको मसाज दीजिए, जो ऑयल उनको सूट करता है उससे उनकी मसाज कीजिए। और जो बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो फिर उसकी माँ को थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से उसके बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, उसकी पानी की कमी पूरी होती रहे। और अगर बच्चा खाना पीना शुरू कर देता है तो उसके खाने में आप केसर या फिर कोकोनट, जो नारियल की जो मलाई होती है वो खिलाइए, तो ये बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी उससे बच्चे गोरे हो जाएंगे, पर उनकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है और बहुत हेल्दी स्किन रहती है उसकी वजह से। और कुछ उपटन होते हैं जो हम, जैसे कोई ब्राइड होती है उसको भी लगाए जाते हैं, तो वो उपटन भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, जिसमें बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, चंदन मिला दीजिए और थोड़ा सा ऑयल मिला दीजिए, तो वो उपटन भी आप बच्चे को लगाएंगे तो वो उसकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये लोग ये करते हैं, बच्चों को धूप में बहुत कम निकालते हैं, डरते हैं कि बच्चा काला पड़ जाएगा, पर बच्चे को धूप में निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कहूँगी कि दोपहर की जो कड़कड़ाती धूप है उसमें निकालिए, पर जो सुबह की धूप होती है 10 बजे तक उसमें आप बच्चे को जरूर निकालिए। इससे बच्चों को विटामिन डी मिलती है और बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, उससे उनकी स्किन के लिए भी विटामिन डी बहुत अच्छा रहता है। और अगर सर्दी का टाइम है तो थोड़ा जब एटमॉस्फेयर वार्म हो जाए तब उनको धूप में निकालिए। एंड बच्चों को सनस्क्रीन उनकी 2 ईयर की एज तक नहीं लगाना चाहिए, 2 ईयर की एज के बाद आप उनको सनस्क्रीन लगा सकते हैं। मैं भी अपने बेटे को सनस्क्रीन लगाती हूँ, पर उसको सुबह के टाइम पे नहीं लगाती हूँ, दोपहर के टाइम में जब उसको बाहर निकलना होता है, गर्मी का टाइम है, बहुत तेज़ धूप है या फिर हम थोड़ा कोस्टल एरिया में जाते हैं बीच वगैरह पे, तब मैं उसको सनस्क्रीन लगाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे यूवी रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती हैं जो बच्चे की स्किन के लिए बहुत खतरनाक है। तो वो तब मैं लगाती हूँ अपने बेबी को सनस्क्रीन आपको सुबह सुबह नहीं लगानी है, क्योंकि सुबह की धूप बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है। और 2 ईयर से कम एज के बच्चे को भी सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए। कई बच्चों का स्किन कलर डाउन इसलिए भी दिखता है कि उनके बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स होते हैं, उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके तो हेयर्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, फिर भी आप लोई उनके शरीर पे फेर सकते हैं। आटा आपको लेना है, जो आटा आप मारते हैं रोटी बनाने के लिए, उसमें आपको ऑयल डालना है अच्छे से, उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा बेसन भी मिला सकते हैं, और उससे आप बच्चों को हाथ में ऐसे फेरते जाइए। इससे बच्चे के जो एक्सेसिव हेयर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। पर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है लोई फेरने पे, और ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है, उससे बच्चों को रैशेस भी हो सकते हैं। जितना हल्के हाथ से लोई फेरने में जिनके इतने बाल निकल जाए उतना ही बहुत है। और जो बाल होते हैं वो अपने आप वैसे भी झड़ जाते हैं, बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो अपने आप वो बाल झड़ जाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई क्रीम नहीं होती जो आपके बच्चे को गोरा बना दे। हाँ, बड़े लोगों की थोड़ी बहुत क्रीम्स होती हैं जो मेलालिन होती है अंदर की बॉडी की, उससे छेड़खानी करते हैं वो चीज़, पर उसमें इतने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं लगाना। तो आप उन क्रीम्स को बच्चों को बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा। और ज़्यादा टेंशन लेने से बेटर है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको बच्चे को कैसे उसकी परवरिश करनी है, कैसे उसको आगे लेके जाना है, ऐसा कुछ करना है कि आगे जाके बच्चा आपका नाम रोशन करे। और हाँ, आंटियों को जवाब देने से बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि आपके बच्चे की बात है, कोई किसी का हक नहीं बनता आपके बच्चे की बुराई करने का, और हर पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। और ये कॉन्फिडेंस अगर आप अपने बच्चे को दिखाएंगे तो ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कि चाहे उसका फीचर्स कैसा भी हो, चाहे उसका कलर कैसा भी हो, वो आगे
कभी भी उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये इस चीज की जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी सोसाइटी के अंदर, ताकि जो रेसिज्म फैला हुआ है, जो भी फीचर्स को लेकर लोगों का नजरिया है, वो थोड़ा चेंज हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार किसी नए वीडियो को लेकर। टिल देन, बाय।